में अपने सैनिकों के बीच था। आज जब मैं फिर करगिल की धरती पर हूं तो स्वाभाविक है वो स्मृतियां मेरे मन में ताजा हो गई है। मुझे याद है किस तरह हमारी सेनाओं ने इतनी ऊंचाई पर इतने कठिन युद्ध ऑपरेशन को अंजाम दिया था। मैं देश को विजय दिलाने वाले ऐसे सभी शूरवीरों को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। मैं इन शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने कारगिल में मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। साथियों, कारगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, हमने सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया था। आप जानते हैं भारत उस समय शांति के लिए प्रयास कर रहा था, बदले में पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना अविश्वासी चेहरा दिखाया। लेकिन सत्य के सामने असत्य और आतंक की हार हुई। साथियों, पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे, दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। साथियों, लद्दाख हो या फिर जम्मू कश्मीर, विकास के सामने आ रही हर चुनौती को भारत परास्त करके ही रहेगा। कुछ ही दिन बाद इस 5 अगस्त को आर्टिकल 370 का अंत हुए 5 वर्ष पूरे होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर
आज नए भविष्य की बात कर रहा है, बड़े सपनों की बात कर रहा है। जम्मू कश्मीर की पहचान G20 जैसी ग्लोबल समिट की अहम बैठक करने के लिए हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख में टूरिज्म सेक्टर भी तेजी से ग्रो कर रहा है। दशकों बाद कश्मीर में सिनेमा घर खुला है। 3.5 दशक के बाद पहली बार श्रीनगर में ताजिया निकला है। धरती का हमारा स्वर्ग तेजी से शांति और सौहार्द की दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथियों, आज लद्दाख में भी विकास की नई धारा बनी है। सिंकुल्ला टनल, इसके निर्माण का काम शुरू हुआ है। सिंकुल्ला टनल के जरिए लद्दाख पूरे साल हर मौसम में देश से कनेक्टेड रहेगा। ये टनल लद्दाख के विकास और बेहतर भविष्य के लिए नई संभावनाओं का नया रास्ता खोलेगी। हम सभी को पता है कि कठोर मौसम की वजह से लद्दाख के लोगों को कितनी मुश्किलें आती हैं। सिंकुल्ला टनल के बनने से ये मुश्किलें भी कम होगी। मैं लद्दाख के मेरे भाई बहनों को इस टनल का काम शुरू होने के लिए विशेष बधाई देता हूं। साथियों, लद्दाख के लोगों का हित हमेशा हमारी प्राथमिकता रहा है। मुझे याद है कोरोना के समय में करगिल क्षेत्र के हमारे कई लोग ईरान में फंस गए थे। उन्हें वापस लाने के लिए मैंने व्यक्तिगत स्तर पर काफी प्रयास किए। ईरान से लाकर उन्हें जैसलमेर में ठहराया गया था और जब स्वास्थ्य की दृष्टि से पूरी तरह संतोषजनक रिपोर्ट मिले